आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। देश में चल रहे कोविड 19 को लेकर रामगढ़ जिला के एसपी प्रभात कुमार ने रमजान महापर्व को लेकर विशेष चीजों पर ध्यान रखने की, लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य चीजों पर भी पालन करने की अपील की है। इससे हम सभी के हित की बात कही। रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा की गई वायरल वीडियो। आप सभी रामगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार, जोहार, सलाम। अगले एक दो दिन में महान रमजान पर्व शुरू होने वाला है, इसके लिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से मेरा अपील है कि इस महान रमजान के दौरान जो लॉकडाउन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका सख्ती से अनुपालन करेंगे। सुबह में सेहरी के लिए घर से बाहर जाकर के लोगों को नहीं जगाएंगे। आवश्यक वस्तु की खरीदारी करने के लिए अगर आपको घर से बाहर जाना है तो यथासंभव घर के एक ही सदस्य जाएं और प्रयास ये करें कि जो दो तीन दिन चार दिन का सामान है वो लेकर के एक ही दिन में खरीदारी करके आ जाएं। बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और दुकान में भी जाते समय, दुकान पर खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। अगर आप दुकान पे जाते हैं और लगता है कि वहां पहले से दो चार पांच आदमी खड़े हैं तो आप कुछ दूरी पर ही इंतजार कर लें, उस आदमी के जाने के बाद वहां जाकर खरीदारी करें। तरावी का नवाज घर में ही पढ़ें, मस्जिदों में नहीं जाएं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी धार्मिक स्थल पर या किसी भी सामाजिक स्थल पर पांच या उससे ज्यादा अधिक आदमी को जमा होने का अनुमति अभी नहीं है। किसी भी प्रकार का इफ्तार पार्टी या इफ्तार के दावत पर लोगों को ना बुलाएं। सब लोग अपने अपने घर में ही इफ्तार करें। इफ्तार के समय भी और घर में भी नमाज अदा करते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। आप जैसा जानते हैं कि जो विश्वव्यापी महामारी से हम अभी गुजर रहे हैं, इसमें घर के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए घर में भी यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है। इस महान पर्व में जो भी आपको फर्ज के रूप में या जो भी इसके कर्तव्य का अनुपालन करना है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो समय अभी चल रहा है लॉकडाउन, उसमें जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है उसका अनुपालन हो। हम सब आपके साथ हैं इस पर्व में के लिए। फिर से मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू।